आपको पिछली वीडियो में पेंटी कटिंग करनी सिखाई थी, अब आपको हम सल्टी कटिंग करना सिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि शर्ट का नाप क्या है, 25 लंबाई है, 30 छाती है, पेट 26.5 है, 17 तिरा है, 22 आस्तीन है, 13 का कॉलर है। अब आपको इस हिसाब से आपको पहले इस तरीके से निशान लगाना है, दो निशान लगाने हैं। अब आपको इस तरीके से निशान लगाना है, इस तरीके से निशान लगाना है। आपको फिर इंच टेप उठा लेना है। अब आप देख सकते हैं 25 लंबाई है, 25 लंबाई है तो आपको 25.5 काटनी है, 25.5 पर निशान लगाना है। आपकी 30 छाती है तो आपको चौथा हिस्सा करना है, चौथा हिस्से पे 7.5 आपको आधा इंच लूजिंग लेना है। अब आपको इस तरीके से लगाने के बाद आपको आपकी 30 छाती है, चेस्ट है तो आपको चौथा हिस्सा करना है, 7.5 पर निशान लगाना है, 7.5 दो इंच की लूजिंग देनी है इस तरीके से। अब आपको इस तरीके से निचले तरफ लाना है, जितना ऊपर था इतना नीचे लगा लेना है। अब आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ इस तरीके से निशान लगाना है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से निशान लगाना है। अब आपका जो कॉलर है वह 13 इंच का, 13 इंच में काट लेना है हमको, 2 इंच 1 सूंड पर निशान लगाना है इस तरीके से, इस तरफ भी इस तरीके से निशान लगाना है, इस तरीके से काट के इस तरीके से। अब आपको 1.5 इंच घटा लेना है, इस तरीके से निशान लगाकर घटा लेना है, इस तरीके से निशान लगाना है। अब आपका 17.5 है तो आपको इस तरीके से नाप लेना है, 16.5 है आपको इस तरीके से निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाना है, इस तरीके से आपको सेक पट से इस तरीके से सेव देना है। यहाँ आपको कलर लिख देना है कितने का है। अब आपको इस तरीके से निशान लगाना है, फिर आप देख सकते हैं हमारे निशान लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरीके से आपको फिर कपड़े को काट लेना है। हमारे फ्रंट के हिस्से हैं वो कट चुके हैं। अब आपको इस तरीके से इसको एक तरफ रख देना है। अब इस तरीके से जिस तरीके से आपने कपड़ा फैलाया है, इस तरीके से कपड़े को इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से घुमा लेना है, कपड़े को हटाना नहीं है, इस तरीके से ही बस आपको आस्तीन लेनी है। अब आपको आस्तीन नाप लेनी है, 22 आस्तीन है, 22 आस्तीन है ना आपकी, तो इस तरीके से 21 कटेगी। अब आपको जिस तरीके से आपने चेस्ट का निशान लगाया था चौथाई, इस तरीके से यहाँ पर लगना है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ आ जाना है नीचे। अब आप देख सकते हैं 13 कलर है, तो आप जो कप है वो आपके कम से कम 8.5 इंच के कप लगे हैं,
तो 5.5 इंच काट लेना है। आपको इस तरीके से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद चेक पट्टी से इस तरीके से निशान लगाना है। फिर आपको काट लेना है। आपको बैग और सामने का इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि हमारी आस्तीन कटकर कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी आस्तीन कटकर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इस तरीके से उठाकर एक तरफ रख देना है। अब आपको फिर से इस तरीके से कपड़ा लेना है, इस तरीके से खोलकर इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने लेने के बाद आपने जो सामने कटिंग की थी इस तरीके से उठा लेना है और आपको इस तरीके से ऊपर रखने हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको तीरे का निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाकर आपको तीरा नाप लेना है। 16.5 इंच का तीरा है आपका। 16.5 इंच का 7/8 बैठेगा। 7/8 पर निशान लगा लेना है। दही चीज में मार्जिन छोड़ देना है। अब आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी बैग भी कट चुकी है शर्ट की जो है। अब आपका सामने कट चुकी है, बैग कट चुकी है और आस्तीन कट चुकी है। आपका बच गया है तीरा। अब आप देख सकते हैं कि तीरा काटने के लिए किस तरीके से आपको तीरा काटना है। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, इस तरीके से आपको सीधा कर लेना है। अब आपका तीरा 16.5 इंच का है तो आपको काटना है 0.5 इंच का। इस तरीके से निशान लगाना है आपको 0.5 इंच पर। अब आपको यहाँ पर भी 0.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर 1/4 इंच बढ़ा लेना है। इस तरीके से गुणे से आपको सीधा निशान लगाना है और एक निशान इस तरफ को निशान लगाना है। अब आप देख सकते हैं कि 13 का काल है तो आपको 1/2 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से आपको गोलाई देनी है। अब आपको काट लेना है इस तरीके से काट लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा तीरा भी कट चुका है हमारी शर्ट बोल। अब आप देख सकते हैं हमारी शर्ट कट कर तैयार हो चुकी है।